आज आरा नगर निगम में साधारण बोर्ड की बैठक में पहली बार नगर निगम में आरा सांसद सुदामा प्रसाद, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, आरा बक्सर एमएलसी राधा चरण साह बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता आरा नगर निगम की महापौर इंदु देवी ने किया। इसमें नगर निगम के नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत पर जमकर वार्ड पार्षदों ने एक साथ सांसद एमएलसी विधायक से उनके तबादला को लेकर विधानसभा लोकसभा में आवाज़ उठाने की बात कही गई। नगर निगम में साधारण बोर्ड की बैठक में गत बैठक के कार्यवाही की संपुष्टि की गई। मुख्य एजेंडा में शहर के दुकानदारों का किराया पर विचार किया गया, जिसमें अप्रैल 24 से अब पहले का एरियर माफ़ कर दिया जाएगा। इस साल के अप्रैल 24 से हर 3 साल पर 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस योजना पर विचार विमर्श में आरा सांसद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 का लेखा जोखा, किस वार्ड में कितना योजना गया और उसका हिसाब मांगा गया, किस वार्ड में कितना योजना दिया गया है, जिला परिषद की तरफ से नगर निगम में भी योजना लाने का प्रस्ताव सुदामा प्रसाद के द्वारा दिया गया। जैसा कि जिला परिषद में हर एक वार्ड में 2-2 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है, आरा नगर निगम में मुख्य नगर अभियंता की मांग पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द आरा नगर निगम में मुख्य नगर अभियंता को बहाल किया जाएगा। आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति राज्यपाल के बाद महापौर होती है, जिसमें नगर आयुक्त को जमकर फटकार लगाया और कहा कि आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि आरा नगर निगम में दुर्गा पूजा के पहले 45 वार्डों में लाइट को बनाना चाहिए, जिसमें नगर निगम से बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। वुडको के द्वारा पूर्व में 0 माइल से लख तक नाला बना था, जिसमें उसे मौखिक रूप से एक अधिकारी ने रोक लगा दी गई थी, जिसमें तत्काल रूप से उसके वुडको के द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसमें पूर्व की भांति उसे बनाया जाएगा। आरा नगर निगम में 3 चक्का का ट्राई साइकिल खरीदने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें हर नाली गली व ट्राई साइकिल चला जाएगा और साफ सफाई बेहतर हो सके, जिसमें जेम पोर्टल से खरीदने का प्रस्ताव दिया गया। वार्ड पार्षद गायत्री देवी ने कहा कि स्टेशन के समीप वर्ष 2007 से कई दुकानदारों का दुकान आवंटन नहीं दिया गया है, जिस पर विचार विमर्श करके नई जगह खोजकर उन लोगों को पुनः नया दुकान देने का प्रस्ताव दिया। निगम कार्यालय में ही राशन कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। दुर्गा गली मंदिर के सुनील जी के घर के पास पीसीसी लाने का निर्माण किया था और ये बैठक में बजट में पास है, पर फिर भी ये काम नहीं हो रहा, तो जवाब पहले क्यों नहीं हो रहा? बाबू गुजार का रोड पे ऐसे बरसात में पूरा नाली जाम हो जा रहा है, सड़क जाम हो रहा है, लोगों को बहुत ही सारी पुराना नक्शा जो है उसी के हिसाब से काम हो, अब तेज हो। आपसे कहना चाहती हूँ कि बार बार लगातार 3 वर्षों से हम एक ही कार्य के लिए बार बार सदन से और नगर आयुक्त सर से भी बोलना चाहती हूँ, शायद हमारे पूरे वार्ड पार्षद को याद हो गया होगा, सबको ये दिखता होगा, तो इसका आप लोग पुनः कार्य करें। मैं नगर आयुक्त सर से भी, जो कि अभी अभी हमारे सांसद महोदय बोले हैं कि कुछ बातें होती है जो मौखिक होती है, तो मौखिक जो बातें होती है वो मैं सबके सामने तो नहीं रख सकती, वो मैं यहाँ आ रही हूँ तो मुझे मौखिक ही ये बात मिल रही है, जो कि मैं बार बार ये बात बोल चुकी हूँ कि इसे मुझे भी जानकारी दिया जाए जो कि लिखित हो, ताकि मैं भी अपने वार्ड के सारे लोगों को इस समस्या के बारे में बता सकूं कि ये कैंसिल हुआ या फिर ये कार्य होगा कि नहीं होगा, तो इससे मैं, मेरे वार्ड के लोग संतुष्ट नहीं है, इसका पूरा आरोप मेरे ऊपर है, इसका सामना हमें करना है, हमको जवाब देना है। तो मैं फिर से एक बार अपने अध्यक्ष से और नगर स्तर से बोलती हूँ कि इस कार्य को अगर कैंसिल करा दिए हैं तो फिर से इसको नए निविदा में लाया जाए और इस कार्य को किया जाए। अगर ये नहीं, आप क्या दिक्कत है कि इसकी जानकारी आप हमें नहीं दे पा रहे हैं, वो आज हमें बताया जाए, ताकि मैं तो हमें लगता है कि
सब जाए, सब में जाए, सब में एक एक काम जाए, तो 45 वार्ड में काम जाए, सब के बराबर काम जाए, एक एक काम जाए, सब के जाए, सब के जाए। दूसरा बात चाहे जो हमने के बोलिए को शहर से कट के जोन वार्ड बढ़न सर शहर के बाहर में ना शहर से पतहर से जो बाहर में बहुत सारा समस्या बा, जैसे हमारा ही वार्ड वार्ड नंबर 33 अभी जाकर देखा हम तो पानी निकासी के कहूँ जगह नहीं, पूरा जल मग्न एकदम वैसन भेल बा कि कोई के घर में साफ नहीं जता, कोई के घर में जाए के रास्ता नहीं के, इतना मैंने बदतर स्थिति हो गए हूँ। नहीं चल जाइए हम कहीं से हम देखना ही नहीं थे जी, तो है सबसे बड़ा समस्या वही बात, जनता के जाए के जगह नहीं, कहूँ से मैंने हमारे वार्ड एगो कटोरा के तरह बा, चार वार्ड 18/7/2024 फाइन, उसके बाद अतिक्रमण अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम आएंगे, तो हम इसका भी कॉस्ट आपसे लेंगे, लेकिन आज दूसरा दो महीना हो गए कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो नाली के चलते है, नाली पर पूरा फुलवाड़ी बना के फुलवाड़ी लगा लिया, अगर चलते पूरा एगो मोहल्ला पूरा जाम हो जाता है, आज तक दो महीना में कोई करवाए पूरा आदेश निकल आते हैं बोकरा का आदेश नहीं, देखिए नहीं जाते सर जी जी दो महीना से आदेश आते हैं आदेश नहीं जाते नहीं जाते। और इसी तरह से अभी बाबू बाजार मोहल्ला नगर निगम के सच्चे मोहल्ला है, बरसात के दिनों में काफी पानी आता है, उसको पहली बार एक ही छत में सभी लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक में कई बिंदु पर चर्चा हुई, कुछ हमेशा बैठेंगे एक ही छत के नीचे, और मैं समझता हूं कि आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक बैठक थी, जिसमें एक एक करके कई निर्णय लिए गए, जैसे पहला निर्णय हुआ कि जो अंडरपास नाला बन रहा है, जो पुराना नक्शा है उसी के हिसाब से वो योजना चले, और किसी नए इलाके में अगर उसका विस्तार करना है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन पुराने नक्शे को बाधित नहीं किया जाए, और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, हमने अधिकारियों को समझाया कि आप मौखिक आदेश पर काम मत कीजिए, नहीं तो गज के फेरा में आप थान हार जाइएगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, किसी के मुंह से कह देने से कि ये इधर नहीं जाएगा उधर जाएगा, तो ऐसा काम मत कीजिए। फिर दूसरा निर्णय लिया हम लोगों ने कि जो यहाँ की एजेंसी है, जो लाइट लगाने का जिसको माने ये है सरकार के जरिए उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो ना अपने कर्मियों को वेतन दे रही है, ना वो जो है माने बंद लाइट को ठीक करा रही है, इसलिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और आप 30 माने एक सप्ताह के अंदर माने चूंकि पूजा का समय है, दशहरा का पूजा है, आपको दिवाली है, महान पर्व छठ है, तो आप माने क्या चाहते हैं, इसलिए आप एक सप्ताह के अंदर अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, अपने स्रोत से शहर के जितने बंद पड़े माने लाइट हैं उनको ठीक कीजिए और ओरिजिनल लगवाइए। तीसरा हम लोगों ने निर्णय लिया कि 30 तारीख तक उडको जो है जितने लीकेज पाइप हैं शहर के अंदर, जिनसे होकर के गंदा पानी जो है लोगों के घरों में जा रहा है कि वो पीने के लायक क्या पैर धोने के लायक नहीं है, तो आप एक सप्ताह के अंदर उनको दुरुस्त कीजिए, और जो मैंने गलियों की खुदाई किए हैं पाइप बिछाने के लिए उनको अनिवार्य रूप से ढलाई कीजिए भरिए, ये निर्णय लिया गया। इसके बाद भी लिया गया सर्वसम्मति से, जैसे अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है कि अगर आप जीविका दीदियों को हटा रहे हैं तो किस ग्राउंड पर हटा रहे हैं, और नए लोगों को रख रहे हैं तो किस आधार पर रख रहे हैं, या सहारा में जो
माने कर्मी काम कर रहे थे उनको हटा रहे हैं तो किस ग्राउंड पर हटा रहे हैं और नए लोगों को किस ग्राउंड पर भर्ती कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं था। बोर्ड ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि जो पुराने लोग खास करके जहां गांगी पर लोग थे, आठ लोग थे, उन आठों लोगों को आप फिर से बहाल कीजिए, या चार जीविका दीदियों ने दिया है चिट्ठी हमको कि 10,000 रुपया मांगा गया और हमने नहीं दिया पैसा तो हमको नौकरी से हटा दिया गया। हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया था अपने वेतन में वृद्धि के लिए, इसलिए हटा दिया गया कि आपने मुख्यमंत्री का पुतला क्यों जलाया। तो ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाएगा, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का जलाएगा, इसी आधार पर आप उसकी ज़मीन छीन लीजिएगा, घर से निकाल दीजिए, घर में जलने वाले चूल्हा को बंद कर दीजिएगा, उसका काम उसको काम से हटा करके। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, सर्वसम्मति से बोर्ड ने निर्णय लिया कि उनको रखा जाए, फिर से बहाल किया जाए। ये कैसे व्यवस्था बनाए ये जानेंगे। अभी सर चारों तरफ बाढ़ का जो स्थिति है, उस पर भी बात हुई और निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि ये मैंने जो है आपदा विभाग का मामला है, तो आज हमारी मीटिंग है जिलाधिकारी के साथ भी, हम उसमें यहाँ का भी मामला उठाएंगे। हम ही उठाए ये मामला कि बाढ़ आया हुआ है, और कई मैंने वार्ड पार्षद साथियों ने रखा कि ये मामला है। एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षदों के प्रतिनिधि हैं, जिनके घर की माँ या बहन या बेटी या पत्नी हैं मैंने वार्ड पार्षद, लेकिन मुझे ये बात करके जान करके खुशी हुई कि आप उनको कमज़ोर समझ रहे हैं, वो कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत हैं। और उन्होंने बहुत ही बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखा। एक प्रतिनिधि साथी ने कहा कि वो बात नहीं रख पाती, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। जितनी भी महिला प्रतिनिधि हैं बहुत ताकतवर हैं और ये यहाँ पर खड़ी हैं, एक हमारी पार्षद, हाँ हाँ अरे सुनिए, हाँ सुरेंद्र राम का जो है मैंने 4 माह का वेतन रोक करके रखा गया है, हुआ कि जल्दी से उसको रिलीज कीजिए। आप किसी घर का चूल्हा नहीं बुझा सकते हैं। सब पर बात हुई, ठीक ना, लाइट पर बात हुआ, पानी पर बात हुआ, सड़क पर बात हुआ, सब चीज़ पर बात हुआ। और हम लोगों ने ये बोर्ड ने ये अब कहा हम लोगों से कि हम लोग जिलाधिकारी से SDO से बात करें कि जो भाई निगम को पहले वृद्धा पेंशन का जो अधिकार था या राशन कार्ड बनाने का अधिकार था उसको वापस किया जाए। हम लोगों ने सर्वसम्मति से वार्ड पार्षदों की बात सुनी और हम लोग बात करेंगे इस पर। और आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक रही, हमने माननीय सदस्यों को भी कहा कि भाई आप शांतिपूर्ण ढंग से शालीन ढंग से आपको जितना कड़ा से कड़ा बात कहना है कहिए, यह इस पर मैंने सब लोगों की सहमति बनी, नहीं तो इसे फायदा जो चाहते हैं वो नहीं होगा और दूसरी ही बात होने लगती है। और अंत में ये हम लोगों ने कहा कि आप वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 का आमद खर्च का ब्यौरा टोटल लोगों को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराइए, वार्ड पार्षदों को भी या हम लोगों को भी। हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर 1,000 करोड़ का बजट है इस निगम का तो उसमें बिहार सरकार का कितना योगदान है, हम अपने स्रोत से कितना इकट्ठा करते हैं, कितना खर्च होता है, कितना बचता है, घाटा लगता है, फायदा होता है, क्या होता है, इस बात की जानकारी सभी वार्ड पार्षदों को चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए, लिस्ट मांगा। और 18 करोड़ रुपया विकास मद में खर्च है, 1,000 करोड़ में 18 करोड़ रुपया अभी माननीय माने पार्षद ये जो विधान पार्षद हैं श्री राधाचरण शाह जी, इन्होंने कहा कि भाई जिला परिषद ने ये माने प्रस्ताव लिया कि जितने हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं हर किसी के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपया उनके माने क्षेत्र में दिया जाएगा। तो उस ढंग की आप यहाँ व्यवस्था बनाइए अगली बोर्ड की बैठक में, ऐसा ना हो कि किसी वार्ड में माने 1 करोड़ चला जाए और किसी के वार्ड में 1 पैसा नहीं जाए। माने ये 1 करोड़ जाए, हम चाहते हैं कि 2 करोड़ जाए, हर वार्ड पार्षद को मिले 2 करोड़। 45 वार्ड है, अगर 100 करोड़ रुपया खर्च नहीं होगा यहाँ, माने बजट का 10% भी अगर विकास में खर्च नहीं होगा तो क्या खर्च होगा, क्या विकास होता है? चूना पर विकास होगा, चूना छिटने पर माने ये पैसा खर्च होगा, या घास छिलने पर पैसा खर्च होगा? हम लोग ने तमाम चीज़ों पर एक एक करके आप लोगों की जो भावना है उस भावना को हम लोगों ने सम्मान दिया है, और आपकी भावना को आपके जो मूल मैंने कहा जाए कि वार्ड पार्षद हैं महिला जो हैं उन्होंने बहुत ही बेबाक ढंग से साहस के साथ रखा, और हमें इस बात की खुशी है कि आने वाले दिनों में ये सभी लोग युवा हैं, आने वाले दिनों में कोई विधायक बनेगा, कोई MP बनेगा, लेकिन एक शालीन तरीका जो है सभी लोगों के लिए हम लोग मैंने सुझाव के रूप में देना चाहेंगे कि शालीन व्यवहार हो। पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बैठक को लेकर? बैठक बहुत सार्थक हुई,
सभी माननीय पार्षदों ने अपने विचारों को रखा और विस्तार से चर्चा हुई। उन चर्चाओं के दौरान बहुत सारे ऐसे फैसले हुए, सर्वसम्मति से हुए, जो जनहित के हैं। उसमें प्रमुख है जल जमाव, स्थान स्थान पर जल जमाव। स्टार वाटर प्रोजेक्ट जो है, बिहार सरकार की जो योजना है, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए और जो तौर तरीका बना था उसके हिसाब से ही ये तय हुआ कि नहीं, उसी हिसाब से इस परियोजना को और अमली जामा पहनाया जाएगा। लाइटिंग के संबंध में बात हुई, आपने सुना, लाइटिंग के संबंध में जो जो कंपनी है वो कंपनी कब का मैंने उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस कंपनी से क्या लोगों का राग है कि उस कंपनी को पहले उसको ब्लैक लिस्ट करके बाकी और जो ये काम करना चाहिए था, तो वो भी एक निर्णय हुआ कि नहीं, इसको उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। फिर जो आवंटन राशि है वार्डों में, वह भी और समान रूप से यूनिफॉर्म ढंग से, और वो सभी वार्डों में जाएं, क्योंकि समस्याएं सभी वार्डों में हैं, तो उन सभी वार्डों में समान रूप से धन जाए, राशि जाए, और उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए और एक समग्र विकास का खाका बने। आज जो बैठक हुआ एक सकारात्मक पहल तो, नगर विकास तो एक सार्थक बैठक आज हम कहेंगे कि मैंने कई प्रकार से राशन कार्ड में जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को कैसे दूर किया जाएगा, फिर जो सर्विस कार्ड है इन लोगों का उसके उसको कैसे सिस्टम में लाया जाएगा, बहुत सारी बातें हुई। लोगों का जो जो वार्ड पार्षद हैं इनका 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 वेतन, बाकी फिर वृद्धा पेंशन वगैरह और विधवा पेंशन आदि आदि, उन सब विषयों पर काफ़ी और गहनता के साथ विचार हुआ और उन पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से सार्थक निर्णय हुआ। बोर्ड ने एक मत से सारे फैसले किए हैं, यही आज की बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज आरा नगर निगम का ऐतिहासिक बैठक रहा, सभी लोग आज नगर निगम के इस बोर्ड के बैठक में सभी तरह शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं अपने गार्जियन स्वरूप माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को, माननीय एमएलसी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज वो हमारे बोर्ड की बैठक में आए और उन्होंने अपनी बहुत सारे मार्गदर्शन दिए, बहुत सारे निर्देश दिए जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे गार्जियन ने निर्देश दिया उस निर्देश पे मैं आगे काम करूँगी। और आज बोर्ड की बैठक में बहुत सारे निर्णय भी लिया गया है। सबसे पहला निर्णय हुआ है कि जो हमारे शहर की सारी लाइटें जो खराब हुई है उस पर निर्णय लिया गया है। ये से डबल ESL के द्वारा ये लाइट लगाई गई है हर एक शहर में, जो कि पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। और हम लोगों ने लिखित रूप से भी उनको कितने बार लेटर दिए, उनके पदाधिकारी से भी बात हुई है, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने सभी माननीय वार्ड पार्षद ने सभी इस बैठक में ये तय किया कि इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और जो भी खराब लाइट हुआ है वो हम जब वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा तो हम अपने तरफ से उसको बनवाएंगे। और दूसरा निर्णय लिया गया हमारे दुकानदारों की ये किराए पर विचार विमर्श। जो हमारे दुकानदार लोग जो हमारे शहर के हैं उनका बहुत सारे शिकायतें थी कि एरियर वाइज लेकर हमसे पैसा वसूला जा रहा है। तो हम लोग ने सभी वार्ड पार्षद माननीय वार्ड पार्षद ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जो एरियर वाइज ले पैसा लिया जाता था उसको ख़त्म किया जाए और अप्रैल 2024 से नया राशि 15% की वृद्धि हुई है जो हर एक 3 साल पर की जाएगी। ये सर्वसम्मति से पास हुआ है। कुछ फैसला हुआ अंदर जिस बैठक आज ये जो बैठक ही रहा बड़ा संभावत बहुत कम इस तरीके की बैठक देखने को मिला, कुछ नया करने के लिए भी कुछ लिया गया निर्णय बैठक में? नया करने को तो जो सबसे मूल जो हमारी समस्या है लाइट दुकानदारों की किराया पर, इस पर ज़्यादा निर्णय लिया गया। और ये जो हमारे बुटको के भी आए पदाधिकारी लोग आए थे, लोग जो ड्रेनेज सिस्टम का जो काम हो रहा है, जो पहली बार जो मैप तैयार किया गया था उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, शायद वो लोग
अपने कुछ पदाधिकारी के मौखिक आदेश से उसका उस मैप को चेंज कर दिया गया है और जहां से ज्यादा जरूरत है वहां से वो काम नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ से चंदवा पुलिस लाइन से वो काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग की तरफ की जा रही है कि अलग अलग लोगों को देखकर योजना दी जा रही है, इस पर कितनी सच्चाई है, क्या है इसमें जो देखिए योजनाओं पर तो बहुत सारी बात हुई है और हम सभी का बात सुने हैं, मगर मेरा जो कहना है कि योजनाएं किसी का चेहरा देख कर हम लोग नहीं देते हैं। वार्ड पार्षद के द्वारा जो योजनाएं लिख के दी जाती है, चाहे जिस वार्ड में ज्यादा समस्याएं होती है उसी बिहाव पे हम लोग योजना पास कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कहना है कि सभी यहाँ पे बहुत बात हुई है योजनाओं के बारे में कि हमारे वार्ड में काम नहीं जा रहा है, हमारे वार्ड में काम नहीं जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर बोला गया है कि हर एक वार्ड में एक समान राशि आवंटन किया जाए, तो आगे से मैं ये भी कोशिश करूंगी चाहे वो बड़ा वार्ड हो या छोटा वार्ड हो हम एक ही राशि आवंटन करें। मैडम, संभावित बाढ़ के मद्देनजर कोई अभी आ रहा है शहर के तरफ, पानी बढ़ रहा है शहर की तरफ, कई वार्डों में घुस चुका है। देखिए ये बाढ़ का जो मामला है वो हमारे शायद निगम में नहीं आता है, आपदा क्षेत्र में आता है, लेकिन हमारे निगम की तरफ से भी उन लोगों के लिए कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए कोई तब्दीली यहाँ बदलाव क्योंकि सीवरेज आकर प्रभावित होगा शहर का, जल जमाव नाली वगैरह तो प्रभावित निकासी नहीं होगी पानी की, उसके लिए हम एक अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे कि इसका क्या हल निकल सकता है।